ठीक से बैठो बहन, माइक लो बहन, कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ, बट शादी बनारस में हुई है। हाँ बनारस ही हो, अब तो बनारस ही हो। हम बनारस आ रहे हैं, पता है, सितंबर में। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक 108 भागवत कथा का आयोजन हो रहा है बनारस में। पहली बार दरबार में आए? क्या बात है, हाँ विदाउट माइक भी कर सकते हैं। अब तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें आपके लाइनें तो लिखी 8 पहले नंबर पर, उन्नति रुकी है, क्या करें ऐसा पूछने आप आए, ठीक है। कॉस्मेटिक का काम करें, उसमें सफल होंगे, क्योंकि आपका इस पर स्टडी भी है और आप इस पर बहुत उसमें इंटरेस्ट भी है आपका। कॉस्मेटिक का काम करें, थोक का काम व फुटकर काम दोनों करें, इसमें आप आगे सफल होंगे। बालाजी ने चाहा तो आपकी टीम को एक बहुत बड़ी जगह पर आगे कार्य भी मिलेगा, इसके लिए टीम खड़ी करें। जो आपका सपना था, आपका सपना था कि हमारी एक टीम हो, हम ऑर्डर बुक करें, टीम को वहाँ भेजें, ये आपने चाहा, ये होगा। नंबर 2, क्लेश बनता है घर में, चूंकि आप कई बार बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं, हाँ जी, और आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, सासू माँ पुरानी रीति रिवाज की, इसलिए थोड़ा सा आपको उस घर के लिए थोड़ा सा बहन आप मैनेज करिए, झुकिए। 3, पति का बिजनेस का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनसे कहिए बिल्कुल ना रुकें, वो भैरव पूजा करें, उनके भैरव इष्ट भी हैं और भैरव के वो साधक भी हैं, भैरव बाबा के, उनसे कहना भैरव पूजा करें और वो बिजनेस में बहुत सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। एक प्रश्न और है, यहाँ का प्रश्न, वो तो आपने बोला ही नहीं। ये हमने आपको जो लास्ट बोला है कि आपने यहाँ का निर्णय तो बोला ही नहीं बहन, अब इसमें माइक ले सकते हो, माइक नज़दीक करो बहन। दरबार में आपको बुलाने का मूल कारण, अर्जी लगाने का मूल कारण आपका अविश्वास था, उसको विश्वास में बदलने के लिए, बालाजी का भक्त बनाने के लिए ही आपको बुलाया। बोलिए बहन जी, ऐसी बात है। यस, अब हमें एक और तुम्हारा कमी भी बता देते हैं, नीचे वाला आप पढ़िएगा जी। इसका मतलब हमें पता है, खुश रहो। हम चाहे तो ये बात माइक से भी बोल सकते हैं, लेकिन बहन अब आगे से रोज तुम्हें 5 माला करनी है ओम बागेश्वराय नमः की, ये दंड है, खुश रहो।